फेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? और आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपने रियलमी P1 स्पीड के अंदर भाई BGMI को टेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है भाई आज के दिन। बाकी यहाँ पर आप फ़ोन का लुक देख सकते हो, बैक साइड से कैसे देखने को मिलता है भाई कैमरा का लुक। बाकी भाई फ़ोन में अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी का यहाँ पर चिपसेट देखने को मिलता है, जिस पर यहाँ पर आप 9 TFPS गेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी है, जिसमें यहाँ पर आपको सिर्फ 60Hz तक यहाँ पर इस एफ्रेट तक यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिलती है, इसलिए यहाँ पर आपको 60FPS दिखा रहा है। 9 TFPS देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अनेबल कर रखा है, तब भी आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का 60FPS दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मली खेलोगे तो यहाँ पर आपको 9 TFPS प्रो को पूरा मिलेगा, क्योंकि भाई आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखी है, तो यहाँ पर हमारा 60FPS ऊपर FPS जा ही नहीं रहा, आप यहाँ पर खुद ही प्रूफ में देख सकते हो। बाकी भाई अगर हम यहाँ पर बात करें भाई फ़ोन के अंदर स्पेक्स की, तो यहाँ पर आप जायरोस्कोप की बात करें भाई सबसे पहले फ़ोन की, तो मुझे यहाँ पर जायरोस्कोप भी इसमें डिले देखने को मिला है। जैसा आप देख सकते हो भाई, मैं अपनी फुली सेंसिटिविटी में खेल रहा हूँ, जैसे भाई मैं हर फ़ोन में खेलता हूँ, तो वही मुझे यहाँ पर जायरोस्कोप पता चल जाता है, यहाँ पर मुझे इस फ़ोन में जायरोस्कोप डिले देखने को मिल रहा है। तो भाई जितने भाई जायरोस्कोप वाले प्लेयर हैं, आपको भाई इस फ़ोन में जायरोस्कोप डिले देखने को मिलता है। बाकी भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई अगर यहाँ पर आप बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के खेलोगे तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक से FPS देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर 9 TFPS में खेल सकते हो। बाकी भाई अगर यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में खेलोगे जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो आपको 60FPS से ऊपर आपको 1 FPS देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर गेम प्ले के अंदर देख सकते हो। हम यहाँ पर 60FPS ही प्रॉपर देखने को मिल रहा है, 9 TFPS का सपोर्ट ही देखने को नहीं मिल रहा भाई, ठीक है। और भाई मैंने ग्राफिक्स में 9 TFPS भी लगा रखा है आपके सामने ही। बाकी भाई अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ठीक ठाक से परफॉर्मेंस निकल के दे रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, तो भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन के लिए परचेज करो, क्योंकि भाई आप खुद ही देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर हमारा कितना था फ़ोन भाई हीट और भाई लैग देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पर नॉर्मली BGMI खेलते हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो, मुझे ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है इस फ़ोन का परफॉर्मेंस भाई 9 TFPS के हिसाब से। बाकी भाई देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर तो मुझे इस फ़ोन में अभी TDM के अंदर लैग देखने को मिल रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। बाकी भाई यहाँ पर आप गेम प्ले वगैरह देख सकते हो मेरा कैसा वर्क कर रहा है इस वाले फ़ोन के अंदर, और भाई फ़ोन काफ़ी अच्छा खासा हीट भी हो चुका है मेरा यहाँ पर अभी के टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा की गेमिंग करते हो तो आपका फ़ोन जल्दी से हीट भी हो जाएगा। भाई अगर बात करें यहाँ पर अपनी बैटरी बैकअप की, तो भाई बैटरी बैकअप इस फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बैटरी इस फ़ोन की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चार्जिंग की बात करें तो आपको इसमें 45 वाट का चार्ज देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट है, आपका फ़ोन भाई जल्दी से चार्ज होकर दे देगा। बाकी भाई आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने भाई रैंक वाले गेम पे लगा दिया, जंप करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ भी FPS ड्रॉप इस फ़ोन में भी देखने को तो नहीं मिला। बाकी भाई इवेंट के अंदर देखते हैं हमारा कैसा गेम चलने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भाई चैनल को। बाकी भाई आप यहाँ भाई रैंक वाले गेम मजे लो, हम मिलते हैं वीडियो के एंड में।